देखो तो जरा फफूंद लग लग के धन। ए देखिए भैया, ये पुलिस पुलिस का बकायदा मसाला तैयार किया जा रहा था। मध्य प्रदेश के कटनी शहर में खाद्य एवं सुरक्षा प्रशासन विभाग, जिला प्रशासन और रंगनाथ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शनिवार को इंडस्ट्रियल एरिया कटाई घाट में संचालित होने वाली गोयल इंडस्ट्रीज की मसाला फैक्ट्री में छापामारी की गई। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में कीट युक्त धनिया जब्त किया गया। फैक्ट्री में धनिया पाउडर, बेक्ड जीरा, टेस्टी नमक आदि मसाले बनते हैं। छापामार टीम द्वारा बड़ी मात्रा में कीट युक्त इन मसालों को जब्त किया गया। जांच टीम के मुताबिक ये मसाले मानव स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकते हैं। कार्रवाई के दौरान SDM बलवीर रमण, तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव, फूड इंस्पेक्टर DK दुबे, संजय गुप्ता, अशोक कुर्मी, रंगनाथ थाना प्रभारी नितिन कमल सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। देखो तो जरा फफूंद लग लग के धन। देखिए भैया, ये पुलिस माधवनगर स्टाफ हैं, पुलिस में पदस्थ हैं, जो देख रहे हैं धने को कि पूरा मिट्टी कीड़े में तब्दील हो गया है और उसका बकायदा मसाला तैयार किया जा रहा था। किस तरह से मानव जीवन के साथ ये बड़े फार्म कारोबारी खिलवाड़ कर रहे हैं, आज इसका खुलासा इस कार्रवाई से हुआ। श्री राकेश कुमार जी अग्रवाल। फिल्टर होगा ना सर ये तो? क्या कार्रवाई हुई अब तक? ये कलेक्टर महोदय और अनुभागाधिकारी महोदय के निर्देश पर फूड और सेफ्टी ऑफिसर के साथ गोयल फूड इंडस्ट्री में जांच की गई, तो यहाँ पर भारी मात्रा में धनिया पाया गया जो कि अमानक था, मतलब उसमें कीड़े लगे हुए थे और यूज करने लायक नहीं था, और जीरा पाया गया कुछ अमानक, और पॉलीथीन अमानक मात्रा में भारी मात्रा में पाई गई, तो उन सबको जब्त करके नगर निगम का सपोर्द किया गया है। थाना माधवनगर, थाना रंगनाथ नगर पुलिस बल का SDM साहब स्वयं थे मौके पर और देख करके, और पूरी इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये अभियान के अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ खाद्य प्रतिष्ठानों को जांच करने की और आवश्यकता पड़ने पर नमूने लेने की जो मध्य प्रदेश शासन ने चालू किया है, उसके अंतर्गत आज हम यहाँ बरगवा में एक गोयल इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, मसाले बनते हैं, मसालों का कुछ थोक व्यापार भी होता है। हमें यहाँ पे आज प्रशासनिक दल है, SDM साहब वगैरह भी यहाँ पे थे, नगर निगम की टीम, पुलिस प्रशासन है, सभी की उपस्थिति में आज हमने यहाँ पे जांच किया है। 40 किलो की भर्ती है, इसमें से 20 से ज़्यादा बोरों में कीड़े लगे हुए थे। कुछ बोरों में कीड़े लगे हुए थे, वो शायद फ्यूमिगेशन के कारण तो डेड हो गए हैं, मरे हुए थे। कुछ बोरों में लिविंग इंसेक्ट भी मिले हैं, तो हमने खड़ा धना का नमूना लिया है, साथ में जितने भी इंसेक्ट से इन्फेक्टेड बोरे थे सभी बोरों को हमने जब्त किया हुआ है, और उसको ये डिस्ट्रॉय करने के लिए जो इसके गोयल इंडस्ट्री के संचालक हैं रोहित अग्रवाल, वो राजी हैं और इसलिए उनको डिस्ट्रॉय कराया जा रहा है। साथ साथ यहाँ पे मसाले को पैकिंग करने का ये माउंट, मसाले की पैकिंग करने की यूनिट भी है, इसमें ज़ीरा डस्ट मिला था। जब हम यहाँ पर आए तो कर्मचारियों ने ये बताया था कि ज़ीरा डस्ट जो है वो इस काम आता है कि टेस्टी नमक उसको प्रोसेस करके उस टेस्टी नमक में उसको डाला जाता है, इसलिए हमने वो ज़ीरा डस्ट का एडल्ट्रेंट की जो अपद्रव्य कहलाता है उसके रूप में हमने उसका नमूना लिया है। साथ में जिस टेस्टी सॉल्ट में उसको डालने की बात कही गई थी उसका भी हमने नमूना लिया हुआ है, तो ये लेबोरेटरी से ये चीज़ प्रूफ हो सकती है कि उसमें उस ज़ीरा की डस्ट को डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ है। अभी कार्रवाई हमारी अंतिम चरण में है, जो बोरे हैं उनको काउंट करके हम यहाँ से उसको रवाना कर रहे हैं डिस्ट्रॉय कराने। सर लगभग कितनी बोरी जब्त की?